नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आम धारणा बन चुकी है कि भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी मछलियां सजा पाने से बच जाती हैं। राजस्थान में जब सरकार ने रिश्वत प्रकरण में फंसे एक जिला कलेक्टर को पहले पद स्थापन की प्रतीक्षा में रख और बाद में गिरफ्तारी जैसा सख्त उठाया, तब इस धारणा के विपरीत काम होता दिखा। प्रदेश में कलेक्टर रह चुके किसी आला अफसर की गिरफ्तारी का यह पहला मामला बताया जा रहा है। इस प्रकरण में रिश्वत लेने का जो तरीका 12 के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने अपनाया, वह भी नया नहीं है। आम तौर पर ऊंचे पदों पर बैठे लोग खुद को पाक साफ साबित करने के लिए अपने मातहतों की मार्फत ही काली कमाई करते हैं, इसीलिए इनके दामन तक पहुंचना आसान नहीं होता। देश भर में कहीं भी सरकारी अमला जब जमकर लूटपाट करने लगे तो वह आसानी से समझा जा सकता है कि उसके ऊपर बैठे नौकर साहों तक भी हिस्सा जरूर पहुंचा रहे होंगे। ऐसे नौकर साहों को राजनीतिक संरक्षण भी कम नहीं होता। सरकारें भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें तो खूब करती हैं, लेकिन उस समय चुप्पी साध लेती हैं जब महकमों के सर्वे सर्वा ही भ्रष्टाचार के समंदर में डुबकी लगाते दिख जाते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बड़े अफसरों को पहले भी शिकंजे में लिया जाता रहा है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में, लेकिन अब तक का अनुभव बताता है कि इनमें से अधिकतर को सबूतों के अभाव में न केवल बरी कर दिया जाता है, बल्कि पहले से ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम सौंप दिया जाता है। जैसे अपने इन अफसरों की कार्य कुशलता का फायदा सरकारें हर जगह उठाना चाहती हों, राजस्थान में
हुई। इस बड़ी कार्रवाई से सरकार ने यह संदेश देने की जरूर कोशिश की है कि वह बड़ी मछलियों को भी बख्शने वाली नहीं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या सचमुच भ्रष्टाचार के आरोपियों को उनकी असली जगह तक पहुंचाने में कामयाबी मिल पाएगी। यह सवाल इसलिए भी है कि खुद सरकारें समय समय पर अपने दागी अफसरों को बचाने की गरज से अभियोजन स्वीकृति तक नहीं देती। नतीजतन भ्रष्ट तंत्र फिर भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने लगता है। मुसीबत तो आम जनता की ही रहती है, जिसका हर कदम पर भ्रष्टाचारियों से सामना होता है। बहरहाल सरकारें ऐसी सख्ती करें तो स्वागत किया जाना चाहिए, पर जरूरत इस बात की है कि भ्रष्टाचारियों को सजा की प्रक्रिया पुख्ता और तेज की जाए, अन्यथा राजनेताओं व नौकरशाहों के गठजोड़ से बनने वाले भ्रष्ट तंत्र पर काबू पाना मुश्किल ही होगा। समाप्त।